हेलो एवरीबॉडी, इस चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है एक नए प्रोडक्ट रिव्यू के साथ। मैं चिंचांग, नमस्ते, सलाम अलैकुम। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एक नए प्रोडक्ट रिव्यू। तो ये प्रोडक्ट नया ही है, तो मेरे सामने तो एकदम नए हैं। और ये प्रोडक्ट क्यों मैं रिव्यू कर रहा हूँ, मैं इसका कैसा है वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम मैंने ख़रीदा। तो किसके लिए, देखिए इसके साइड में एक प्लाईवुड खड़ा है, तो किचन का मैं कैबिनेट बना रहा हूँ, मॉड्यूलर किचन कैबिनेट बना रहा हूँ। फॉर मेकिंग द मॉड्यूलर किचन, सो फॉर पेस्टिंग और एडजेसिव, उसके लिए ये फेविकॉल हीटेक्स चाहिए। तो दूसरा वीडियो में मैंने फेविकॉल मेरिन का मैंने रिव्यू दे रखा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो मैं आपको ये इसका थोड़ा सा कुछ इंट्रोड्यूस मैं आपको दूंगा, ये किस चीज़ में यूज़ किया जाता है। तो देखिए, इसका फेविकॉल है, फेविकॉल बहुत ही पुराना कंपनी है, बेस्ड ऑन इंडियन कंपनी, ये हीटेक्स है। तो आप जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से देख रहे हो, वो मेक इन इंडिया है। तो आप अगर भारत में आएंगे तो ये फेविकॉल आपको देखने को मिल गया। बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, अच्छा ही मैं कहूँगा, लेकिन इससे भी बहुत ही अच्छा वाला कंपनी है, उतना पॉपुलर नहीं है। जो अच्छा कंपनी होता है पॉपुलर नहीं होता, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है। इसका बहुत ही पुराना कंपनी है, बहुत ही पॉपुलर है। तो इसके ऊपर देखिए, ये फेविकॉल का ये कोड होता है, ये पेंटर लोगों के लिए है। देखिए इसमें क्या है, हीटेक्स 1 लीटर, ये 1 लीटर है, 1 लीटर प्लस 1p, ये क्या, ये देखिए 1 लीटर प्लस 1p, ये न्यू है। और हीटेक्स ये देखने में मिल्क के तरह सफ़ेद नहीं होता, ये थोड़ा सा पानी के तरह होता है। और इसका कलर थोड़ा सा मैं आपको सब दिखा दूंगा, कब इसको इस्तेमाल किया जाता है, किसके ऊपर ये अप्लाई होगा, किस काम में ये लगेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो कैसे ये अप्लाई किया जाता है, ये एकदम थोड़ा सा डेंड्राइट के लिए है, लेकिन ये इनफ्लेमेबल है, ये आग लग सकता है, क्योंकि इसमें स्प्रिट होता है और कम समय में ये बहुत ही एडजस्टिव होता है। देखिए, वुड वर्किंग एडजस्टिव है, स्टेप इन 10 मिनट्स, सेट इन 10 मिनट्स, मैक्सिमम स्ट्रिपिंग इजी टू अप्लाई। देखिए ये सब, देखिए हीट प्रूफ होता है, देखिए ये हीट प्रूफ है, इसलिए इसका नाम हीट एक्स है, ये हीट प्रूफ होता है, ठीक है। पहले तो डेंड्राइट का इस्तेमाल करते थे, अभी डेंड्राइट का इस्तेमाल थोड़ा सा कम हो गया। डेंड्राइट का भी सेम ही इस्तेमाल करता है, डेंड्राइट जैसा होता है ये भी ऐसा ही होता है। पहले लोग जो लैमिनेट पेस्टिंग के लिए डेंड्राइट यूज़ करते हैं, अभी क्या करते हैं, डेंड्राइट तो उड़ गया, बहुत ही कम मिलता है डेंड्राइट, इतना ज़्यादा नहीं मिलता है, थोड़ा सा उसका बैड यूज़ करने के लिए, मिस यूज़ करने के लिए। तो आप समझ चुके हैं उसका मिस यूज़ कैसा होता है। तो मैं इस वीडियो में मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि YouTube का थोड़ा सा पॉलिसी है। तो देखिए, गेट यू सेपरेटेड 2 packs 1 liter, गेट 1 U स्प्रेडर विथ 2 packs of 1 liter, ये आपको देखिए 1 U स्प्रेडर विथ 2 packs of 1 liter, देखिए आपको एक ऐसा मिलेगा, आप अगर 2 pack खरीदे, 2 pack आपको 1 liter आप अगर खरीदे तो आपको एक ये फ्री में मिलेगा। तो हाउ टू यूज़, देखिए ये कैसे यूज़ होगा, तो देखिए ये आपको देखिए कैसे यूज़ होता है, थोड़ा सा आपको ये जब ये आपको खोलना पड़ेगा, खुल के थोड़ा सा इसको जो स्टर है, स्टर को थोड़ा सा मिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो होता है ये एक प्लेट की तरह होता है, प्लेट के ऊपर में लेकर आपको ऐसे ऐसे करके, जैसे पुट्टी लगाते हैं ऐसे ऐसे करके, आपको सरफेस के ऊपर, बोथ सरफेस के ऊपर आपको लगाना पड़ेगा, लगा कर थोड़ा सा ईयर में आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ईयर में जो मैं लैमिनेट और प्लाईवुड की तरह मैं बोल रहा हूँ, जो प्लाईवुड होता है, प्लाईवुड का जो जिस फेस में आप ये अप्लाई करेंगे, और जो प्लाईवुड है प्लाईवुड के ऊपर फेस में, और जो लैमिनेट के है लैमिनेट के नीचे के फेस में, जिसमें वुड के तरह देखने को मिलता है, जो रफ सरफेस होता है उसमें
अप्लाई करेंगे बोथ ऑन वो एक साइड में और प्लाईवुड के एक साइड में अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा 2-3 मिनट आपको थोड़ा सा एयर में रखना है, थोड़ा सा अगर ड्राई हो जाए पूरा सूख जाए एकदम, जब गीला होगा तब नहीं, थोड़ा सा ड्राई हो जाए उसके बाद लैमिनेट के साथ प्लाईवुड को पेस्टिंग किया जाता है। पेस्टिंग करने के बाद ऊपर आपको क्या करना पड़ता है, जो सूती का कपड़ा रहता है उसमें बहुत ऐसे ऐसे करके रब करना पड़ता है, बहुत ऐसे ऐसे करके रब करना पड़ता है, ठीक है। रब आप करेंगे तो लैमिनेट के साथ जो प्लाईवुड वो बहुत ही अच्छा पेस्टिंग हो जाएगा। उसके बाद आपको मास्किंग टेप से जो कॉर्नर साइड है, साइड का साइड है, उसको मास्किंग टेप से थोड़ा सा चिपक कर रखना पड़ेगा, 1 घंटा या 2 घंटा रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी किस किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है आप अगर ये वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसका मैं प्राइस आपको बता देता हूँ। इसका देखिए ये नेट 1 लीटर है, इसका प्राइस नीचे है, देखिए इसका प्राइस है 610 रुपया, ठीक है। मैं यूनिट सेल प्राइस 610 रुपया पर लीटर, और इसका दाम मुझे 480 रुपया मुझे ये ख़रीदने को, ये मैंने ख़रीदा 480 रुपया से, लेकिन इसके प्रिंटेड प्राइस है 610। तो ये किस किस चीज़ में अप्लाई होगा, वो इधर में है। तो पेस्ट लैमिनेट ऑन प्लाईवुड, मैंने पहले ही कहा ये वुड वर्क के लिए है, देखिए वुड वर्क के लिए है, लेकिन वुड वर्क के छोड़ कर भी बहुत काम में ये लाया जाता है, जैसे कि मोची के काम में, जो जूते का काम करता है उसका काम में, ठीक है। जो देखिए पेस्ट लैमिनेट ऑन प्लाईवुड, जो माइका होता है प्लाईवुड के ऊपर, उसमें या इसमें लगाया जाता है, जो प्लाईवुड के साथ, प्लाईवुड के जब अटैच होगा तो ये इस्तेमाल नहीं होगा, उसके समय फेविकॉल का यूज़ होता है। एमडीएफ उसके साथ प्लाईवुड के एमडीएफ का अगर होगा तो ये इस्तेमाल होगा। पार्टिकल बोर्ड, ब्लॉक बोर्ड, बॉन्ड लेदर, देखिए लेदर का जब काम होता है एक लेदर के साथ दूसरे लेदर का काम होता है, उसमें भी ये एडजेसिव लगाया जाता है, लेकिन उसमें एक और के स्पेशल एडजेसिव होता है जो वाटरप्रूफ होता है, लेकिन इसमें वाटरप्रूफ नहीं है, इसमें क्या लिखा तो नहीं, मैंने तो नहीं देखा। वो लेदर को जूते का जो लेदर पेस्ट करने के लिए वाटरप्रूफ एडजेसिव चाहिए। देखिए फैब्रिक्स जैसे कि कपड़ा में मेटल फॉयल होता है, पतला जो फॉयल होता है, रोलिंग फॉयल, मेटल फॉयल जो भी कहे, फोम, देखिए फोम एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रबर, ये बहुत सारे कामों में आता है। देखिए रबर को, देखिए जैसे जूते का रबर तो जूते का ही होता है, और सारा बहुत सारा मटेरियल होता है जो रबर जो टूट जाता है, उसके लिए हीटेक्स आपको चाहिए, इससे ये काम में आएगा। देखिए रबर के लिए, फोम के लिए, मेटल फॉयल, फैब्रिक्स, बॉन्ड लेदर, लेदर को जुड़ने के लिए पार्टिकल्स बोर्ड, ब्लॉक बोर्ड, जैसे कि सब कारपेंटर लोगों के कारपेंटर जो दुकान है, जो कारपेंटर का काम करता है, वो सब मिस्त्री लोग ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा कैसे ये देखने आता है सब, मैं आपको अगर जब अप्लाई होगा तब मैं आपको दिखा दूंगा। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, न्यू प्रोडक्ट वीडियो, बाय बाय।